वेलकम टू न्यूज़ बाबा यूट्यूब चैनल, जहां दोस्तों हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के बारे में। दोस्तों वीडियो का जो है एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो का फॉर्म भरा है तो प्लीज़ वीडियो का जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ पर क्लिक करके वीडियो का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ सो उसके बाद आपको देखना है कि आपका जो एग्ज़ाम सेंटर लगा है वो आपका 100 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर की दूरी पर लगा है या नहीं लगा है। जी दोस्तों, इसके बारे में हम कंप्लीट में डिटेल में बात करने वाले हैं कि आपको वीडियो का जो है एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। वो आपका 100 किलोमीटर से 300 किलोमीटर के अगर दायरे में आपका सेंटर लगा तो आपको क्या करना है। जी दोस्तों, इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरी वीडियो पर विजिट किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें और उसके साथ साथ आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको गवर्नमेंट रिलेटेड विभिन्न प्रकार की पीडीएफ और नोटिस आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो हम चलते हैं मेन वेबसाइट पर। जहाँ दोस्तों ये यूपी ट्रिपल एससी की मेन वेबसाइट है, आप दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप यहाँ पर पहुँच जाओगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, उसके बाद आपको नीचे जेंडर डालना है। नीचे जेंडर डालने के बाद आपको नीचे वेरिफिकेशन कोड आपको डालना है। ये जो आपको कैप्चा यहाँ पे दिया हुआ है ये आपको यहाँ पे पुट कर देना है। उसके बाद आपको डाउनलोड एडमिट कार्ड कर लेना है। जहाँ दोस्तों अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है या फिर आप रजिस्ट्रेशन नंबर को अपना जो है लॉस्ट कर चुके हो या आपका भूल गए हो या आपका खो गया है तो आपको क्या करना है, नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर पर आपको क्लिक कर लेना है। जहाँ दोस्तों क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना नाम डालना है जो आपने फॉर्म में डाला है, बिल्कुल सेम आपको ऐसे अपना नाम डालना है। उसके बाद आपका फादर नेम आपको डाल लेना है, उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ आपको डाल लेनी है। उसके बाद नीचे आपको यही फिर वेरिफिकेशन कोड आपको एक दिखाई देगा, वो उसको आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है और उसके बाद आपको जो है सर्च कर लेना है। सर्च करते ही आपने जितने भी यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी फॉर्म भरे हैं उनका जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो होगा। सबसे नीचे आपका जो है वीडियो का ग्राम विकास अधिकारी का आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, आपको उसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद फिर आपको जैसा मैंने पहले आपको प्रक्रिया बताई थी उसी तरीके से आपको दोहराना है, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जेंडर डालना है और उसके बाद कैप्चा आपको डाल लेना है और उसके बाद आपको डाउनलोड एडमिट कार्ड कर लेना है। उसके बाद आपको देखना है कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो 100 किलोमीटर से लेकर के 300 किलोमीटर की दूरी के अंतर्गत आया है या नहीं आया है। जहाँ दोस्तों प्लीज़ मुझे जो है कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका सेंटर आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो और आपका सेंटर कौन से डिस्ट्रिक्ट में लगा है, आप प्लीज़ मुझे ये ज़रूर बताइए। और आपके होम डिस्ट्रिक्ट से और आपके अदर डिस्ट्रिक्ट में आपकी जो है किलोमीटर की दूरी कितनी है। जहाँ दोस्तों आपका यानी मुझे ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताएं आपका सेंटर आपके घर से कितनी दूर लगा है। इससे पता चलेगा कि सभी कैंडिडेट का जो सेंटर है वो अपने घर से 100 किलोमीटर से 300 किलोमीटर की दायरे में आया है या नहीं आया, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी ने बताया था कि इस बार जो है हम सेंटर डालेंगे वो अपना 100 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर के दायरे में हम सेंटर को डालने वाले हैं। तो क्या सबका वही हुआ है या कुछ कैंडिडेट को जो है उनका होम डिस्ट्रिक्ट ही दे दिया गया है या आसपास का मंडल उनको प्रोवाइड कर दिया है, इससे थोड़ा पता चलेगा कि बोर्ड जो है कहीं बीच में कुछ वो तो नहीं कर रहा है। उससे थोड़ा हमें पता भी चलेगा और उससे ये भी पता चलेगा कि सभी कैंडिडेट का जो है अपने होम डिस्ट्रिक्ट से अदर डिस्ट्रिक्ट में कितनी दूर डाला है सेंटर। सभी के लिए समानता बरती गई है एडमिट कार्ड के लिए या नहीं बरती गई है, तो उससे हमें ये नॉलेज होगा। तो आप प्लीज़ जितने भी एडमिट कार्ड को डाउनलोड करें तो जरूर कमेंट में ज़रूर लिखें कि उनका सेंटर होम डिस्ट्रिक्ट से कितनी दूर गया है। जी दोस्तों, आई होप आप वीडियो को समझ चुके हैं और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। इसको लाइक कर दीजिए, साथ साथ इसको अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ न्यूज़ बाबा को रेड बटन पर क्लिक करके वहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें और साथ के साथ आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। वहाँ पर गवर्नमेंट रिलेटेड विभिन्न प्रकार की नोटिस और पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो इसी प्रकार से मिल जाए कोई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।